Hey dude, are you mad? ये बीच सड़क पे क्यों खड़े हो? मरने से डर नहीं लगता क्या? मरने का खौफ उन्हें होता है जिन्हें जीने की चाहत, और हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। आप शायद अपनी बगल वो जमाटे पे थी, तमीज से बात कर रहे। आपको शायद बहुत जल्दी है जाने, नहीं? वैसे अभी 10 दिन खत्म होने में 10 घंटे 10 मिनट और शायद 10 सेकंड बाकी। सच नहीं जानना चाहेंगे कि उस दिन आपके ऊपर जानलेवा हमला किसने करवाया था? कौरी, चलो यहां से। Let's go. Don't listen to him, Mora. Come on. मैंने आपकी बात सच मान ली थी। In fact, मैंने उस नंबर पर दोबारा कॉल भी किया था, लेकिन the phone was out of service. यही नहीं, मैंने आपके फोन का इंतजार भी किया, लेकिन जब आपका फोन नहीं आया तो मैंने सोचा कोई होगा पागल सरफिरा जिसने हमारे साथ ये मजाक किया। एनीवे, आप शायद हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एज वी हैव अ फ्लाइट टू कैच। सिद्धार्थ, लेट्स गो। आप पर जानलेवा हमला खुद अप्पा साहिब ने करवाया था। वही जो आपने सुना, अप्पा साहिब ने खुद आपके ऊपर वो जानलेवा हमला करवाया था। अगर कमिश्नर साहब की माने तो वो गोली जो आप पर चलाई गई थी वो आपकी वाड़ी के बहुत नजदीक से चलाई गई थी, लेकिन अगर मेरी माने तो वो गोली आपकी वाड़ी के नजदीक से नहीं, आपकी वाड़ी के अंदर से चली। Are you crazy? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? चलिए, मान भी लेते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हो, लेकिन आपके पास कोई सबूत है इस बात का? या फिर आप ये सब आपके दुश्मनी के कारण बोल रहे हो? बस! बस बोल चुकी हूँ। यहाँ पर कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं आया। आपसे वादा किया था कि आपको सच बताऊंगा, आपको सच बताने के लिए आया। झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा था उस दिन महापूजा में, और मैंने ये भी देखा था कि आपके पास पिस्टल थी। अगर आप वहां मेरी जान लेने के इरादे से नहीं आए थे तो फिर क्यों आए थे वहां? सवाल के सवाल पूछती है गौरी। चलिए खैर, कोई बात नहीं, आपके इन सवालों के भी जवाब दे देते। आया था वहां, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मैं वहां पर पृथ्वी को चेतावनी देने के लिए गया था कि वो इलेक्शन में खड़ा ना हो और अपना नामांकन पत्र वापस ले।
यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम्हें हमें यहाँ रोकने का और कोई बहाना नहीं मिला? राख करना मेरी फितरत है मिस्टर, खैर जो भी आप करें। पहली बात, जो भी मैंने अभी आपसे कहा उसमें कितनी सच्चाई है ये तो इनके पूज्य अप्पा शाही भी आपको बता सकते हैं। दूसरी बात, आपको मेरे सच का सहारा लेकर यहाँ रुकना है या अपने अप्पा साहिब के झूठ का सहारा लेकर यहाँ से चले जाना है, इस बात का फैसला आप करेंगे। आप खुद देखिए, एक बार हमने आपका सहारा लिया था गौरी को यहाँ रोकने के लिए, आज फिर से हम कह रहे हैं रोक लीजिए गौरी को, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब भी गौरी को ढूंढने हैं। रोक लीजिए गौरी, रोक लीजिए। तुम हमें यहां रोकने वाले होते कौन? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। हम दोनों आज आमने सामने खड़े, आपके लिए यह रात है लेकिन मेरे लिए सुबह होने का संकेत है। बात एक ही, नजरिया देखने का अलग है। आपको जो कुछ भी कहना था कह दिया, अब आप मेरी बात सुनिए। अगर ये सब झूठ निकला ना तो मैं सॉरी। किसी की जिंदगी में दखल देना मेरी आदत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मेरी जिंदगी में दखल। तुझे आपके जाने से पहले आपका सच जानना जरूरी है, तो आपको बता दे और एक बात, उस भोंसलेवाड़ी में आपकी आई के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ एक राज और भी दफन। जाइए गौरी, जाइए और उन पन्नों को खोलने की कोशिश कीजिए, वो पन्ने जहां तक शांत हो आपके पूज्य अप्पा साहिब ने हवा तक नहीं पहुंची। उदय गांबे अप्पा, आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, आपकी जिंदगी के वो सारे पन्ने अब खुलने जा रहे हैं जिन्हें आज तक आपने सबसे छुपा कर रखा। आपका बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुमा? सावधान अप्पा, सावधान, आपका काल वापस आ रहा है। गौरी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अप्पा साहिब से इस बारे में बात करनी चाहिए तो हम वापस चलते हैं। आज से आपका वक्त हमारे पास आपकी अमानत रहेगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।